नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कौर। विजय लक्ष्मी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नवरात्रे शुरू हो गए हैं और उसके लिए आज हम बनाएंगे साबूदाना खीर, क्योंकि ये व्रत में खाई जाती है तो इसलिए हम व्रत वाली बनाएंगे। तो आइए चलते हैं किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत वाली खीर, और ये लिया है हमने साबूदाना। ये 200 ग्राम साबूदाना है, एक कटोरी हमने ली है, और इसको इस बाउल में डाल देंगे। और इसमें बहुत सारा स्टार्च होता है, इसमें हम पानी डालकर इसको अच्छी तरह वॉश करेंगे और इसको हाथ से इस तरह से मस लेंगे ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। और इसको अब धो लेते हैं अच्छी तरह से। अब इसको हमने 3-4 बार पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब हम इसमें एक कटोरी पानी डाल देंगे, जितना हमने साबूदाना लिया था उतना ही पानी डालेंगे। एक कटोरी पानी डाला है, इसको भिगो देते हैं 1 घंटे के लिए ताकि ये फूल जाए। इसका सारा स्टार्च हमने निकाल दिया है और 1 घंटे बाद आपको दिखाते हैं। साबूदाने को भिगोए 1 घंटा हो गया है। ये देखिए, ये साबूदाना हमारा अब फूल गया है। और इसका अब हम थोड़ा सा पानी है इसमें इसको छान देते हैं। अब गैस के ऊपर हमने कढ़ाई रख ली है और गैस को जला लिया है। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच घी। और इसको गर्म होने देते हैं। अब घी हमारा गर्म हो गया है। ये हमने साबूदाने में से सारा पानी छान लिया है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। और थोड़ी देर इसको भुनेंगे। अब घी में हमने इसको 5 मिनट भून लिया है। अब हम इसको इस प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम 1 लीटर फुल क्रीम वाला दूध डाल देते हैं। और इसको गर्म होने देते हैं। दूध में आ गया है एक उबाला। अब यह दूध हमारा गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे ये साबूदाना। और इसको हिलाएंगे। अब 10 मिनट तक इसको पकने देते हैं और बीच बीच में हिलाते रहेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब इसको हिला देते हैं। अब इसको और पकने देते हैं और बीच बीच में हिलाएंगे। अब ये खीर हमारी देखिए गाढ़ी होने लगी है। और ये देखिए, ये जो साबूदाना है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। और अब हम इसमें डाल देंगे ये चीनी। चीनी हमने आधी कटोरी ली है। आप मीठा अगर ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आधी कटोरी डाल रही हूँ। और इसको मिक्स करेंगे। और चीनी पकने तक थोड़ा और पकाएंगे इसको। ये खीर हमारी अब गाढ़ी हो गई है। और इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। ये किशमिश, काजू और बादाम है, इसमें डाल देते हैं।
और 2-3 मिनट और पकाएंगे इसको। अब ये साबूदाना खीर बनकर तैयार हो गई है। अब हम इस बाउल में इसको निकाल लेते हैं और सर्व करेंगे और गैस को बंद कर देते हैं। ये साबूदाना खीर हमारी बन गई है। इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और डाल देंगे। और ये साबूदाना व्रत वाली खीर हमारी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।